वेरी गुड संडे आफ्टरनून 94.3 माय एफएम पर, मैं हूं अनिमेश। और इस वक्त आज ये जो मुलाकात होने वाली है बहुत हेल्दी, बहुत हैप्पी होने वाली है, क्योंकि आज हमारे साथ हैं श्री संकल्प हॉस्पिटल से डॉक्टर शैलेंद्र उपाध्याय। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद अनिमेश। और सबसे पहले मेरे मन में जो सवाल है वो ये है कि ये जो नया एक आपका वेंचर है श्री संकल्प हॉस्पिटल, इसका नाम ही एक डेडिकेशन को बताता है, तो ये नाम के यहाँ तक पहुँचने की कहानी क्या है? अनिमेश, एक्चुअली हमारे जो क्षेत्र में एक बहुत अच्छे स्तरीय अस्पतालों की थोड़ी कमी हम लोग को महसूस हो रही थी, तो लगभग 2012 में हम कुछ मित्र थे जिन्होंने मिलके ये चीज़ तय किया कि एक बहुत अच्छा अस्पताल और एक ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ आए जो कि वाकई हेल्थ को सेवा से जोड़े जी। तो सेवा का जो डेफिनेशन है, जो एक कॉन्सेप्ट है, उसको हम लाना चाह रहे थे, और इसलिए हम लोगों ने एक तरीके से कहिए तो संकल्प लिया था उस समय जी, जी। और बाद में हम बहुत सारे नाम हम लोग ढूंढ रहे थे, पर हमको इससे बेहतर और कोई नाम मिला नहीं जी, जी, जी। इसलिए हमने अपने अस्पताल का नाम जो है श्री संकल्प हॉस्पिटल ही रखा। और इस नाम के साथ और बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे डेडिकेशन, बहुत सारे वादे हैं, उनसे भी रूबरू होंगे 94.3 माय एफएम पर। ये एक मुलाकात अभी तो शुरू हुई है, अभी इसके कई सफ़े खुलेंगे। चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं, आज कुछ अच्छा सुनते हैं। 94.3 माय एफएम पर मैं हूं अनिमेश, और हंसी वार यानी रविवार की दोपहर में आप अपनी मुस्कुराहट को थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट को हेल्दी करने के लिए, फिट एंड फाइन रखने के लिए श्री संकल्प हॉस्पिटल संकल्पित है। और वहां से डॉक्टर शैलेंद्र उपाध्याय हमारे साथ हैं। यहां पे जैसा कि आपने पहले बताया कि एक तमाम फैसिलिटीज़ के साथ हॉस्पिटल हो, इसकी ज़रूरत थी, और हमारा ये जो क्षेत्र है इसमें इस चीज़ के लिए पोटेंशियल भी है। जी हाँ, बिल्कुल। हमारा करीब करीब अब 3 करोड़ की आबादी है छत्तीसगढ़ की, और आसपास के हम पेरीफेरीज ऑफ छत्तीसगढ़ देख लें तो लगभग 2-3 करोड़ और, तो 5-6 करोड़ की आबादी है जिसको कि रायपुर कैटर करता है जी। और यहाँ पे एक ऐसा अस्पताल होता जी हाँ, जिसमें कि इंटरनेशनल स्तर की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सभी सुविधाएँ होती, जैसे कि कंप्यूटर नेविगेशन है, जैसे कि हाईटेक मॉनिटर्स हैं हमारे, जैसे कि बहुत अच्छे जो कैमरे हैं, एंडोस्कोपिक सर्जरीज हैं, तो इस तरीके की एक कॉन्सेप्ट को लेके हम लोगों ने सोचा था। और ये सोचा था कि यार इस चीज़ में हम जो है एक थोड़ा किफ़ायत भी लेके आएंगे, कॉस्ट कटिंग भी लेके आएंगे, तो इस कॉन्सेप्ट के साथ हमने इसको चालू किया था। और इस कॉन्सेप्ट के साथ में एक सर्विस का भी भाव है, और भी बहुत सारी रोचक बातें हैं जो एक मुलाकात में डॉक्टर शैलेंद्र उपाध्याय से हम जानेंगे। श्री संकल्प हॉस्पिटल की ये जो एक मुलाकात की दास्तान है अभी यूं ही चलती रहेगी, साथ में चलेंगे आपके फेवरेट गाने। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। 94.3 माय एफएम पर हंसी वार की दोपहर है, मैं हूं अनिमेश आपके साथ, और यहां पे चल रही है एक मुलाकात श्री संकल्प हॉस्पिटल के डॉक्टर शैलेंद्र उपाध्याय से। और आपने बातों ही बातों में थोड़ी देर पहले ये कहा था कि आपकी जो एक डेडिकेशन थी, जो आपका एक गोल था, एक ऐसा विश्व स्तरीय फैसिलिटीज़ वाला हॉस्पिटल लेकर आना जो किफ़ायती भी हो, अब ये एक बड़ा टफ कॉम्बिनेशन था, ये कैसे पॉसिबल हुआ? एक चीज़ हम लोगों ने इसमें सबसे पहले क्लियर रखा था अपने बीच में कि हम इसमें सिर्फ डॉक्टरों को ही जोड़ेंगे हमारी टीम में जी। तो जो नॉन मेडिकल पर्सन हैं वो हमारी टीम से बाहर हमने उनको रखने की कोशिश की, और ये इसलिए था क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट है हेल्थ सेक्टर में, जो एक हॉस्पिटल का जो एक इन्वेस्टमेंट होता है, एक ग्रोथ होता है, उसमें वक्त लगता है, और वो एक जो डॉक्टर है वो समझता है कि नहीं ठीक है भाई, अच्छा कोई बाहर का अगर इन्वेस्टर हो तो उसको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी क्योंकि वो तो भाई इन्वेस्टमेंट तो। और दूसरी चीज़ इसके साथ में ये भी है कि अस्पताल में इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा रहता है, अगर आपको अच्छी सुविधाएँ चाहिए तो यू नीड टू हैव मतलब एक प्रॉपर फाइनेंशियल आपके पास में सपोर्ट होना चाहिए। तो हम लोगों ने एक तरीके से एक साझे ग्रुप की वो की, और जितने भी हमारे कंसल्टेंट हैं वो सब हमारे पार्टनर्स हैं, सारे डायरेक्टर हैं, सारे अस्पताल के मालिक हैं जी, जी। तो ये कॉन्सेप्ट है जी। और जब डॉक्टर ही हॉस्पिटल के पूरे मैनेजमेंट में है तो सर्विस प्रॉफिट एंड लॉस से ऊपर चली जाती है जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही एक बात थी। और ये बात इस श्री संकल्प हॉस्पिटल के संकल्प को और भी ज़्यादा मजबूत बनाती है, तो मजबूती के साथ स्वास्थ्य सेवाओं को यहाँ तक पहुँचाने के लिए उनका संकल्प है, जैसे हमारा है कि आप तक पहुँचाएंगे गाने वही जिन्हें सुनना आपका दिल चाहता है। एक मुलाकात में बातों का सिलसिला जारी रहेगा, सुनते रहिएगा 94.3 माय एफएम। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।
94.3 माय एफएम पर हसीवार रविवार की ये सुबह है, अनिमेश आपके साथ है। एक मुलाकात में बातें हो रही हैं श्री संकल्प मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर शैलेंद्र उपाध्याय से, और उनकी सर्विस का कमिटमेंट, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज का कमिटमेंट सभी डिपार्टमेंट्स के साथ, ये राज की बात नहीं है। श्री संकल्प हॉस्पिटल यहाँ पर है, लेकिन एक राज की बात मैं जानना चाहता हूँ। पेशेंट जब भी डॉक्टर के पास जाता है, आधी तकलीफ उनकी स्माइल से ही भाग जाती है। जी हाँ, बिल्कुल। इतने काम एंड क्वाइट स्माइलिंग कैसे रहते हैं? मुश्किल है, पर करना पड़ता है। तो ये मतलब प्रैक्टिस मेक्स डॉक्टर परफेक्ट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज और है अनिमेश जी, इसमें मैं आपको जोड़ूंगा कि हम लोग के दिन की शुरुआत में आप रहते हो, तो आपके जो गाने और आपके कमेंट्स रहते हैं, तो उसके साथ में भी हम लोग काफी हेल्प मिलता है। अरे वाह, चलिए थोड़ा सा क्रेडिट मैं ले लेता हूँ। लेकिन यहीं से कभी कभी ऐसा होता है कि वर्किंग आवर्स एलोंगेटेड होते हैं, केस कॉम्प्लिकेटेड होता है, और सिचुएशन ऐसी होती है कि आप थोड़ा सा पजल्ड सा फील करते हैं, थोड़े आपको ऐसा लगता है कि शायद टायर्डनेस हावी हो रही है। अनवाइंड कैसे करते हैं, क्या करना पसंद करते हैं? हॉबीज़ की अगर हम बात करें तो लगभग समझिए एक एक्सरसाइज एक तरीके से हॉबी भी है, वो रूटीन में भी रखा है क्योंकि मजबूरी है। और इसके अलावा थोड़ा मैं कुछ लिखता हूँ, कुछ कविताएं हैं जो कि बीच बीच में अपने मित्रों के साथ शेयर कर लेता हूँ, तो वो एक चीज़ रहती है। फिर बच्चों के साथ कुछ वक्त हो जाता है जी, जी। फिर बच्चों की हॉबीज़ में आप इन्वॉल्व हो जाओ जी, तो जी। अच्छा, चूंकि आपने जिक्र किया कि आप लिखते भी हैं, अगर कुछ पंक्तियाँ आपके जहन में हो। मैं एक अभी आपको अपनी लिखी एक कविता छोटी सी जो है जी, उसको मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। एथलीट थे जॉनसन जी, जी 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 है ना, जॉनसन ने एक दिन 800 मीटर में सिल्वर मेडल जीता जी, जी, जी। और उसके अगले दिन जो है वो 1500 मीटर में ही वन अ गोल्ड मेडल जी, जी, जी। तो उनके ऊपर एक लिखा था मैंने जी, कि मेहनत की आग में खुद को जला आया हूँ मैं, सब पुराना फूंक कर बिल्कुल नया आया हूँ मैं। एक दिन पहले हारा था जी, जी, जी। तो उसको भूल के, तो मेहनत की आग में खुद को जला आया हूँ मैं, सब पुराना फूंक कर बिल्कुल नया आया हूँ मैं। आज का सूरज नया है, आज का दिन है मेरा, हार कल की थी उसे कल ही भुला आया हूँ मैं। क्या बात है, जो कल की चीज़ें उन्हें कल भुला के आज बिल्कुल नया सा आना, व्हाट अ मैसेज डॉक्टर शैलेंद्र उपाध्याय, इस मैसेज के लिए और उन तमाम बातों के लिए, और आपने अपने बिजी शेड्यूल से जो वक्त निकाला एक मुलाकात के लिए, उसके लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद अनिमेश बुलाने के लिए स्टूडियो में। माय प्लेजर सर। और ऐसे ही एक मुलाकात में रायपुर और छत्तीसगढ़ की तमाम हस्तियों से आपको मिलवाते रहेंगे और साथ में सुनाते रहेंगे गाने, वही जिन्हें सुनना आपका दिल चाहता है। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।